हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है इन खूबसूरत वादियों में और मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर में। तो मैं जैसे कि गोविंद धाम में हूँ और यहाँ एज़ यूजुअल हमेशा डेली लगभग 7-8 दिनों से ज़्यादा से मैं देख रहा हूँ कि रात में हो रही है मूसलाधार बारिश और मॉर्निंग में आ रही है धूप। ये देखिए, अभी धूप से कुछ ऐसा दृश्य है और रात में बड़ी तेज़ जो है बरसात हो रही है। और यहाँ पे जो घोड़े खच्चर वाले हैं अपना सामान लेकर के आ चुके हैं। ये देखें, अभी तक नींद आने शुरू हो गई। हेलो भाई, ये देखो, ये पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग सब चल रहा है। समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, बैठ के कोई काम नहीं मिलेगा। सही बात, तो कुछ ना कुछ समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज बारिश नहीं है तो इसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं, बारिश नहीं आने। हाँ जी, देखो बारिश नहीं है तो उसमें जो लेजर टाइम होता है उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर से यात्रा आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात कही हमारे सरपंच जी ने, हमें इंस्पायर होना चाहिए इनसे। और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ जो दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से, दूसरे शहर से, नेपाल से आए हुए हैं सभी लोग यहाँ पे काम करने। तो उनके डेरे पे मैं आया हूँ, दिखाता हूँ उनका रहन सहन कैसा होता है इस खूबसूरत घाटी में, कितनी मुश्किल ज़िंदगी वो जीते हैं। कहाँ से आए हो तुम लोग? नेपाल से। कब आए थे? चलता है यहाँ काम? अच्छा चलता है नेपाल से? नहीं चलता यहाँ क्या? चलो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही काम पे लगे रहो। आज के लिए नहीं है, कल सुबह हो जाएगा। तो इनका जो रहने का है कुछ इस तरीके से होता है, जमीन से डायरेक्ट सिर्फ ओनली जो ये बरसाती है वो बिछा करके देखें। और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा ये गोविंद धाम दिखाई देता है। और इस गीले मौसम में भी उनको लकड़ियों का इंतजाम करना होता है जंगल आ करके, और गीली लकड़ियाँ भी होती है तो बहुत दिक्कत परेशानी उनको देखनी पड़ती है, झेलने पड़ता है। जो यहाँ पे हमारे संजय भैया हैं, उनके जो थॉट्स हैं ना वो यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, इन्जॉय एंड लव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, डोंट सेव इट, देयर इज़ नो सिस्टम टू गेट अ रिफंड ऑन अनयूज्ड लाइफ। शायद बहुत लोग इसका मीनिंग समझ चुके होंगे। और ये मोटिवेशन मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे कदमों से ही दूरी से ही लंबी दूरी तय की जा सकती है। ये देखिए, ये बहुत सारे थॉट्स हैं हमें लगाने चाहिए ताकि मोटिवेशन लोगों को मिले। और मौसम इसी के साथ देखे, खूबसूरत सुहाना। तो यहाँ पे मैम जी लोग जो है कि परसों आए थे, बाकी अब इनसे ही जान लेते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है वो तो करके आ चुके थे लेकिन वैली नहीं जा पाए, कल की बारिश से थोड़ा सा रास्ता डैमेज है वहाँ पे। तो और कुछ एक्सपीरियंस बताइए यहाँ के बारे में, क्या कहना है? ऐसा था कि हेमकुंड साहिब तो बहुत खूबसूरत था। हाँ, काफ़ी जो मेजॉरिटी फ्लावर्स की स्पीशीज थी वो हमको हेमकुंड साहिब में देखने मिल गई, तो ये अच्छा रहा हमारे साथ। हाँ। वैली में भी रास्ते में जहाँ तक हम लोग जा पाए वहाँ तक काफ़ी अच्छे अच्छे फूल हमको देखने मिले, जैसे कि वेरिगेटेड वाला वो कोबरा लिली। हाँ। वो देखने को मिला हमें, पॉपी फ्लावर्स और क्या बोलते हैं ब्रह्म कमल हमें हेमकुंड साहिब पे देखने मिल गया था। हाँ। रास्ता ठीक नहीं था इसलिए आगे नहीं जा पाए, आएंगे वापस, फिर कभी आएंगे। हाँ, एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, टाइम टू टाइम अपडेट डालते रहते हैं वो। दूसरा, कचरा इधर उधर मत फेंकना, यहाँ की जो लोग हैं
इको डेवलपमेंट कमेटी है वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन तब भी इस एरिया को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। तो कचरा बिल्कुल ना करें। अब जो भी आप टॉफी चॉकलेट वगैरह अगर लेकर जा रहे हाँ, हैं देखे। तो उसका कचरा ऐसे, ऐसे पॉकेट में डालें वापस अपने हाँ, पास में, और जहाँ भी आपको डस्टबिन वगैरह मिले वहीं डालें। हाँ जी। दूसरा ये कि जो भैया ने बताया हेलीपैड ऊपर बन रहा है, मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वो इकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है, और अगर आपने इतना सुगम बना दिया किसी रास्ते को तो आप मज़ा नहीं ले पाओगे उसका। हाँ, सही बात। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से जाओ, धीरे धीरे जाओ, एक्सप्लोर करते हुए जाओ, मौसम का मज़ा लेते हुए जाओ। हाँ, कुछ ना भी मिले अगर देख लें तो भी यहाँ का वेदर इतना सुहाना है कि वही मन खुश कर देता है। हाँ जी, हाँ, तो दिस इज ऑल आई हैव टू से। आएंगे फिर, आएंगे हम लोग अगस्त सेप्टेम्बर में फिर कभी वैली देखने। हाँ जी, जरूर आइएगा, अब तो आएंगे। और एक्चुअली बुला रही है हमें कि जब फुल ब्लूम पे हो तब आओ देखने। हाँ, तब आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। चलो, सब्र का फल मीठा होगा, और बाकी मुलाकात करके अच्छे लगे। दो तीन दिन हमने बात करी बैठ करके तो अच्छा लगा, ऐसी मुलाकात होती रहेगी। बाय कर दीजिए। तो ये देखिए कांजिला हेलीपैड कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखा है। तो दोस्तों, ये है गोविंद धाम, जो कि 12:30 बजे कुछ ऐसे बादलों से घिर चुका है अगेन। और रात को ना कल ज़्यादा ही बारिश हुई थी, इससे थोड़ा तो यहाँ से दिल्ली से आए थे हमारे दोस्त, जो दोस्त थे उनके दोस्त थे, तो ये हमारे रूम पे रुके थे हेमकुंड साहिब से। देखे अभी 12:30 बजे वापसी भी कर चुके हैं, और अभी जाने वाले हैं बद्रीनाथ। और कपड़े तो नहीं पहने थे, पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थोड़ा ठंडा था, बट ठीक है, कर लिया। बढ़िया था ना दिल्ली? चलने वाले थे यार आप ना, क्योंकि शहरों के लोगों का हैबिट नहीं होती, मुझे लगता पहाड़ों से होंगे। कहाँ, टिहरी से? पौड़ी से थे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो हाँ, तभी तभी थोड़ा मतलब बाकी तो बढ़िया है। आते रहना वैली तो अभी। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आते रहना, कांटेक्ट में रहना। कभी हम दिल्ली आएंगे वहाँ मिलेंगे, कभी कुछ नहीं तो कभी हम आपको दिल्ली घुमाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, मिलके अच्छा लगा। बाकी बद्रीनाथ जाओ, वहाँ भी भगवान जी के दर्शन कर लो, बाकी मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय कर दो एक बार। दोस्तों, यहाँ पे हमारे मित्र आए हैं एक, जो कि जम्मू से आए हैं, और दो तीन दिन हमारी लगातार बातें हुई, और हेमकुंड साहिब से भी दर्शन करके आए। वैली जा नहीं पाए क्योंकि लगातार बारिश है ना, वहाँ पे छोटा सा जो पुल था वो टूट गया है, इस वजह से अभी जाने नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले। तो मन में थोड़ा दुखी तो होंगे आप? नहीं, बहुत, बिकॉज स्पेशली मैं वैली के लिए आया था। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली कल भी वैली बंद रही, तो मैंने एक्चुअली वेट भी किया शायद आज खुल जाएगा, बट आज भी मौसम इतना ख़राब है, आई डोंट थिंक कि वैली खुलेगी। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हेमकुंड साहब के दर्शन किए, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा व्यू था और स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी वहाँ पे फील हुई। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक अगस्त एंड में आई विल ट्राई अगेन। फैमिली के साथ आइएगा आप अगले साल। अगले साल नहीं, इसी साल अगर तो नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा। हाँ, थोड़ा मौसम सही हो जाता है, अगस्त सेप्टेम्बर दोनों महीने तो आना। बाकी उम्मीद करते फिर से मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल। और हम जब जब वैष्णो देवी जाएंगे तो भैया जी से जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप खुद ही आ सकते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि गौरव भाई हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इनका यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ये काफ़ी जगह पे एक्सप्लोर करते हैं और आपको अच्छी जगह पे आपको दिखाते हैं तरह तरह की चीज़ें, और अपडेट जो आपको डेली अपडेट यहाँ का वेदर का अपडेट है, चाहे किसी भी तरह का अपडेट है, वो आपको डेली यहाँ से मिलता रहेगा। बाकी मिलते रहेंगे सर से। ठीक है सर, बाय। तो दोस्तों, आज का माहौल कुछ ऐसा है, लोग यहाँ पे झरने के पास आने के बाद ना यहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं, सुखाते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, संभल के जाए ज़्यादा, जो उसमें आना अच्छा नहीं है, क्योंकि पत्थर जो होते हैं ना बिल्कुल फिसलन वाले होते हैं, तो इसमें कुछ अनहोनी भी हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाकी हेमकुंड साहिब का पर्वत देखिए, पूरा कवर है बादलों से,
और संगतें जो है आ रही है, वापस लौट रही है, जो जल्दी निकले होंगे सुबह सुबह 12:30 बज रहे हैं अभी। और यहाँ से गोविंद धाम का दृश्य कुछ ऐसा है, ये देखिए दोस्तों। जैसे कि नेटवर्क का इशू है कल रात से, तो जो कल की वीडियो है बची हुई पेंडिंग, अपलोड नहीं हो पाई मुझे मालूम है। और अभी 1 बज रहे दिन के, जब भी नेटवर्क आएगा तब मैं अपलोड करके वीडियो पोस्ट कर पाऊंगा। तब तक के लिए शायद एक दिन डिले हो सकता है, एक दिन आप ये समझिए कि मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। आज का दिन 9 जुलाई जो है विदाउट इंटरनेट, मतलब बहुत आलस आ रहा है, बोरियत आ रही है, क्राउड कम है, ना घर पे बात हो पा रही है, ना कहीं दोस्तों से बात हो पा रही है। तो आज का दिन थोड़ा उदासीन सा लग रहा है, बट ओके कि थोड़ा हमें टाइम, इंडिपेंडेंट एक पर्सनल टाइम मिल जाता है नेचर को देखने का। नेट नहीं है तो ध्यान हमारा सिर्फ मोबाइल पे ही रहता था, अब जाके नेट नहीं है आज तो बिल्कुल नेचर को हम बिल्कुल गौर से देख पा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है। पहले नेटवर्क नहीं हुआ करता था 3-4 साल पहले यहाँ, तो लोग नेचर को देखते थे, सारी आउटर दुनिया है उससे कनेक्शन टूट जाता था। अब जाकर के थोड़ा नेट होने से कंबाइन तो होगी, दुनिया एक हो गई, लेकिन जो मज़ा पहले था वो नहीं है। इससे सुविधा भी है, और हर किसी के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहते ज़रूर हैं। तो दोस्तों विदाउट नेटवर्क आप देख सकते हैं, सभी जो लोकल लोग हैं बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, देखिए विदाउट नेटवर्क क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं। जबकि 2 साल पहले हमें आदत थी विदाउट नेटवर्क रहने की, गोविंद धाम में, हेमकुंड साहिब में, अब जाके नेटवर्क आया तो बस एक दिन के लिए गायब भी हुआ, तो कुछ बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है। इसलिए के साथ साथ देखते ही देखते अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, और देखिए मौसम पूरा बादलों से जो है, कोहरे से जो है ढक चुका है। बारिश तो नहीं है अभी, बारिश का टाइम होता है रात में 1-2 बजे के बाद, जो असल में बारिश होती है मूसलाधार। मैं आज आपको दर्शन कराता हूँ पुलिस चौकी थाना घांगरिया, और यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है, आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच, और हमारे सर देखिए बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और ये, अरे वाह नाइस। ये देख सकते हैं आप, इतने सारे कौवे आसमान में, लगभग 1,000-1,500 कौवे एक साथ हैं, ये देखें। और इनका संकेत ये होता है कि कुछ बारिश लग सकती है, कुछ ऐसे संकेत माने जाते हैं, सुनने में मुझे यही आया था। देखें, और यहाँ पे देखते ही देखते जैसे मैं आपको बता रहा था कि कौवे घूमने का रीज़न यही होता है कि बारिश आने से पहले घूमते हैं। और देखते ही देखते देखिए 10 मिनट के अंदर यहाँ पे बारिश हो चुकी है, बरसात हो चुकी है। तो दोस्तों पूरा कोहरे से जम चुका है पूरा गोविंद धाम, देखिए कैसा लग रहा है। और जो संगतें आनी थी वो आ रही है और जा भी रही है, और बहुत अच्छा सुंदर सा मौसम लग रहा है। बिल्कुल इतना डेंस कोहरा है कि मतलब लगभग 30 मीटर के बाद तो दिख ही नहीं रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मौसम का कुछ हाल ऐसा है, और घोड़े देखिए मस्त से रिलैक्स कर रहे हैं आज, यहाँ पे भी देखिए। और आज यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो कल की जो वीडियो थी 8 तारीख की वो भी अपलोड नहीं हो पाई, और शायद कल की कब होती है ये तो मुझे नहीं पता। बाकी आई होप सो जल्दी से नेटवर्क आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो तो सब सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे मित्र मिले हैं और सब्सक्राइबर अमनदीप जी, और उनके साथ है उनके रिलेटिव, ठीक है। तो आज ये दर्शन करके आ चुके हैं इस बरसात के मौसम में, शाम को आते हुए इनको बारिश हुई। बाकी एक्सपीरियंस इनसे ही जान लेते हैं। अमनदीप भाई जी बताओ क्या रहा एक्सपीरियंस थोड़ा सा था, टफ थी, चढ़ाई भी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छे दर्शन। फर्स्ट टाइम था आपका? मेरा थर्ड टाइम था।
तो क्या मुश्किल आपके लिए? मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन मुश्किल तो बारिश करके मुश्किल तो मामा जी के लिए थी जो 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। वो तो थी मुश्किल नहीं। और एक और चीज, मैं तो देहरादून पहले भी रहा हूँ, और जो वीर जी हैं जो सेंटर में आपके रिलेटिव हैं, अब वो भी देहरादून रहते हैं, तो देहरादून मुलाकात होती रहेगी। वैसे जनवरी से मैं 2 दिन बाद जा चुका हूँ। और आप बताइए भैया, थोड़ा मुझे लग रहा दुखी है। ये थक चुके हैं, अभी थकावट हो रखी ना। हाँ, टांगे दुख रही, तो इसीलिए टांगे वगैरह अभी मालिश करवाएंगे इसके। हो आप तो इसीलिए टांगे उधर बस दबाएंगे दबवाएंगे। बाकी मजा आया, बहुत मजा आया। बारिश से कुछ परेशानी? हम तो अपने रेनकोट पूरी तैयारी के साथ आए थे। आपकी वीडियो देखते, तो आपने बताया था ये लेके आना, तो वो अपना सामान लेके आए थे अपने। जोश में शर्टी में आ जाते? नहीं नहीं, स्वेटर वगैरह तो लेके आना चाहिए। एक स्वेटर तो पक्का ही लेके आना चाहिए, चाहे ठंड हो ना हो। हाँ, एक स्वेटर तो पक्का ही लेके आना चाहिए। और बाकी ऐसी मुलाकात होती रही, मुलाकात करके अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये ब्लॉग परसों आ सकता है, ठीक है? अगर आज नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, भाई लोग भी परेशान है बिल्कुल। थोड़ा रील्स और खूबसूरत वादियाँ घर में भी दिखानी थी आपको, फोटो भेजनी थी। कोई बात नहीं, वो तो कल आएंगे। तो कल सुबह रवाना हो रहे हैं गोविंद घाट से ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंच के परसों घर पे आराम से रिलैक्स 45 डिग्री टेम्परेचर में, 2 डिग्री से सीधा 45 डिग्री में। चलो कोई नहीं, ऐसी मुलाकात गर्मी में जाएंगे अब। ऐसी मुलाकात होती रहेगी अब। बाकी बहुत मजा आया वीर जी से, कल भी 1-2 घंटे बात करी, आज भी बैठे थे आधे 1 घंटे बात करी। अब जाएंगे वो रेस्ट वगैरह भी करेंगे रूम पे, ठीक है? थोड़ा गर्म कपड़े पहनो, बाकी फास्ट फूड का भी मजा लेंगे। बाय कर लो। तो आज तो लाइट आई नहीं, नेटवर्क आया नहीं, तो अंधेरा तो है, मौसम खराब है, और आज ना थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। तो ब्लॉग थोड़ा मुझे लग रहा है एक दिन स्किप होगा। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।